बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर निवासी अंशु शर्मा की मंडी स्थित उनके पैतृक गांव के समीप संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मगर मौत से पहले का अंशु शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। जी हां, इस वायरल वीडियो में अंशु शर्मा कुछ लोगों द्वारा कुछ महीनों से उन्हें परेशान कर मानसिक प्रताड़ित करने और उनका पीछा कर उन्हें जान से मारने की बात कह रहे हैं। इसके बाद अंशु शर्मा का संदिग्ध हालत में शव मंडी पुलिस को बरामद होता है। वहीं मंडी के पदर में फेसबुक वीडियो के आधार पर मंडी पुलिस ने बिलासपुर के पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर अंशुल के पिता चमन पंडित का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि अंशुल अपने पैतृक गांव चला गया है और जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ कि पूर्व विधायक सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं। मुझे भी कहीं बाहर से कॉल आई कि आपका बेटा कहाँ पे है, तो मैंने बोला वो तो दुकान में होगा, मुझे नहीं पता कि वो बैतरी गांव चला गया है। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहा देखो, शुभम्बर ठाकुर जी के लिए बोल दिया गया और तिलकराज जी के लिए बोल दिया गया या पवार जी के लिए बोल दिया गया, तो मैं कहे तो बड़ी गलत बात है। और लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि ये लोग जो हैं इस तरीके के हैं, हैं जी, तो उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पुलिस अपने आप देख लेगी उनका हिसाब का, है जी। तो फिर मैंने बड़ा दुख हुआ, फिर मैंने मैसेज भी किया उनको कि देखो हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, बेटे ने किस रूप में बोल दिया, कितना वो डिप्रेशन में है या उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, अभी बोल रहा है क्योंकि पागल तो था नहीं, अब बोल रहा है मेरे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई है, अब धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया होगा, ये सोच सकते हैं ना जी। और उसके बाद उसने वो काम कर दिया। वहीं बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर वायरल वीडियो के बाद अब सामने आए हैं और उन्होंने इस वीडियो को उनकी राजनीतिक जीवन खत्म करने के मकसद से रचा हुआ एक षड्यंत्र बताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीआईडी के जो हमारे अधिकारी हैं वो षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र जो है उनका उसका नकाब उसके हटाएंगे और जो असली कल्प्रिट है वहाँ तक हमारी पुलिस सक्षम है वहाँ पहुँचेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जिन लोगों ने उसको मानसिक तौर पर परेशान किया, जिन लोगों ने एक मौत करके एक बेटे की जान ले ली मेरी राजनीति को तबाह करने के मकसद से, उन उस तय तक जो है पुलिस पहुंचेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि मुझे रास्ते में पूरी सेफ्टी दी जाए, क्योंकि ये लोग मुझे बिना मतलब से पागल बनाकर पिछले 6 महीने से पागल बना रहे हैं और मारना चाहते हैं, और साथ में इनके साथ बहुत बड़ी पहुंच भी है। मेरे मरने के जिम्मेदार दीपक शर्मा, गौरव और साथ में अंशु पवार और साथ में विधायक बम्बर और बिलासपुर से मछली मार्केट का जो मछली का काम तलाई का करता है तोता होते हैं उनको, उनको मुझे पूरे नाम पता नहीं है, इन्होंने बेवजह बिना मतलब से मुझे बदनाम करके बिना मतलब के इल्ज़ाम मुझ पर इकट्ठे करवा के पूरी मारने का हथकंडा बनाया हुआ है। पत्रगिरी बंदर से भी साथी हैं, उनके फ़ोन भी चेक करवाए जाएँ और कहाँ कहाँ बैठते हैं ये फ़ोन भी चेक करवाए जाएँ, क्योंकि बिना किसी गलती के इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, फिर पीछे मुझे बदनाम किया गया है, उन तथ्यों को भी सामने लाया जाए और पूछताछ की जाए कि वाकई में ऐसा कुछ है कि इन्होंने मुझे बेवजह बदनाम किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, इनकी मेरे पूरे परिवार के ऊपर नज़र है, आज मुझे मारेंगे, मेरा पूरा वंश खत्म करने की कसम खाई हुई है और 3-4 आदमी इनके मुझे बोल चुके हैं कि मेरा पूरा वंश खत्म करना है, मेरे पूरे परिवार को मारना है। आज तक मैं कभी फेसबुक लाइव नहीं इस प्रकार से हुआ, पर आज मुझे जब मजबूरी हो गई तो फेसबुक लाइव होना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत खतरनाक हैं और मेरे पूरे भी मेरी इज्जत इन लोगों ने ख़राब कर दी हुई है और मुझे बदनाम कर दिया हुआ। अजवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।